हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, फिर मैं ले आ चुका हूँ आज की नया खबर, जो कि सिरासीन गांव में एक भट्टा था, ईंटा का फैक्ट्री जो बोल सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर ईंटा बनाता था पहले, लेकिन अभी पानी की वजह से पूरा डूब चुका है गाइस। तो वही दिखाएंगे हम आप लोगों को, तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही भयंकर, मतलब कि डूबा हुआ चीज़ देख पा रहेंगे आप लोग इस वीडियो में, जो कि बहुत रूम है। जो लोग यहाँ पर ईंटा बनाते थे वो लोग रहता था ये सब घर में, देख रहे हैं इधर ये सब रूम है गाइस, लेकिन पानी के वजह से डूब चुका है। तो हम ये देख पा रहे हैं, एक ये था मेन गेट, जो कि इधर से ट्रॉली ट्रैक्टर मतलब जो भी हो गाड़ी आता था और ईंटा ले जाता था इधर से। तो गाइस, पानी के वजह से मतलब कि पानी के बाहर आने के वजह से पूरा डूब चुका है। तो वही हम दिखाएंगे आप लोगों को इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में। देख पा रहे होंगे गाइस, इधर सिर्फ पानी ही पानी है, और हम चलते हैं आगे। देखिए गाइस, कितना पानी है इधर, और ये सब जगह पर ईंटा बनाता था, लेकिन अब पानी पूरा भर चुका है। और ये है भट्टा, हम इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे गाइस, देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। देखिए गाइस, और इधर एक बड़ा रूम है, हम दिखा रहे हैं आप लोगों को करीब से। ये देखिए गाइस, कितना पानी है यहाँ पर, जो घर है वो डूब चुका है पानी में। देखिए गाइस, और इधर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये चापा कॉल बोलता है, और कोई नलकूप भी बोलता है गाइस, और ये सब है ईंटा जो पानी आकर डूब चुका है सब। तो गाइस, ये है भट्टा, हम उसके ऊपर जाएंगे फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो गाइस, जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में। देखिए गाइस, हम उस पर जाएंगे और फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए गाइस, मैं भट्टे के ऊपर चढ़ चुका हूँ, ये देखिए, और ये देखिए गाइस, भट्टा में कितना पानी घुस गया है देखिए, और उधर भट्टा में ईंटा भी है, पानी की वजह से नहीं निकल पाया है। और ये देखिए गाइस, पूरा पानी ही पानी हो चुका है भट्टा में। ये देखिए, जो रूम आपको पहले दिखाया था वो है। ये देखिए गाइस, पूरा पानी की वजह से पानी में डूब चुका है, पानी के बाहर आने पर। और ये देखिए गाइस, ये दूसरी तरफ है भट्टा का, जो कि इधर भी ईंट पकाता है, और इधर देखिए गाइस, ये सब रूम है, जो लोग ईंटा बनाता था वो लोग यहाँ पर रहता था, लेकिन पानी आकर पूरा घुस चुका है। और जो लोग देख रहे हैं आप लोगों को, वो लोग सब अभी पटुआ छुटा रहा है, जो कि यहाँ पर ईंटा बनाता था पहले, लेकिन अब पटुआ छुटा रहा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को गाइस, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि उदवा बाज़ार के करीब का गांव है, जो कि नया गांव बोलता है, वो सड़क भी डूब चुका है। अगर वो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, और ऊपर आई बटन में भी, तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा गाइस।
और गाइस, अगर मेरा यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आपको हर जानकारी मिल सके। तो गाइस, फिर मैं आ चुका हूँ एक दूसरा भट्टा आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए गाइस, ये सब मशीन है जो कि इधर मिट्टी को कादा बनाता है और फिर उस कादा को ईंटा बनाता है और भट्टे में उसको पकाकर मजबूत बनाता है। और ये है गाइस जीसीबी, जो कि इसके मदद से ही मिट्टी बनाता है। और ये सब है गाइस शक्तिमान, और इधर है ट्रैक्टर। तो गाइस, फिर हम इस वीडियो में दिखाएंगे भट्टा में किस तरह से ईंटा को पकाता है। तो गाइस, जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। तो गाइस, ये देख पा रहे हो, और हम भट्टे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर भट्टे के ऊपर जाने का रास्ता है। और ये देखिए गाइस, सब ईंटा इस तरह से पकाता है और फिर इसको निकल कर बाहर लगाता है, और जो लोग खरीदने आते हैं वो लोग देखता है और फिर खरीद कर ले जाता है। और जो मैंने आप लोगों को पहला वाला भट्टा दिखाया था, तो ये सब तो उस भट्टे में डूब चुका है गाइस, आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।